प्रभ सी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे राम ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहां तह अगणित जोधा, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी बैदे ही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने महल में रावण को सोया हुआ देखा। वहां भी हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, परंतु सीता जी उस महल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा भरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपिराई। वो महल राम के आयुध यानी या राम के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान हर्षित हुए।